जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के लिए एवरेज यानी औसत की तीसरी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मेरी पिछली दो वीडियो लगातार आई हैं, उन वीडियो को देखिएगा, उसके बाद तीसरी वीडियो देखेगा तो अच्छे से समझ में आएगा एवरेज क्या चीज़ होती है। औसत यानी बीच की संख्या या बीच का योग भी आप कह सकते हैं। एवरेज मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में सिखाया है। चलते हैं आगे की तरफ कुछ और क्वेश्चनों को लेकर के, और प्रॉपर बेसिक से ऊंचाई की तरफ हमारा उद्देश्य होता है और आपको ले जाएंगे आपके लक्ष्य की तरफ, और यही हमारा उद्देश्य है। चलते हैं आज के तीसरी वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा चलते हैं। तो जिसने चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहली वीडियो हमारी आप तक पहुँचे, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को मैं रिवाइज करता हूँ, देखिएगा क्या है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना हो गया भैया 20। यदि पहली संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, तथा तीसरी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, और चौथी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, यानी नया एवरेज, न्यू एवरेज आपको ज्ञात करना है। नया औसत क्या होगा? ए ऑप्शन से 22, बी ऑप्शन से 28, सी ऑप्शन से 32 और डी ऑप्शन से 35। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं पहले ही क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। उसने कहा 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना भैया 20 है। पहला ही क्वेश्चन है, कितनी संख्या थी 10 प्राकृतिक संख्या। एवरेज कितना था भैया 20 था। यहां तक सभी को समझ में आया, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी एवरेज 20 है। तो अब उन संख्याओं में जो वृद्धि और कमी की गई है, वहीं से हमें पता लग जाएगा एवरेज में बढ़ोतरी होगी या फिर माइनस यानी घटाना करना होगा उसे, यानी वहीं से हमें पता लग जाएगा कितनी संख्या थी 4 संख्या। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। कितनी संख्या थी? 4 संख्या थी, ठीक। देखो क्या कहा, पहली संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या में क्या करा भैया? प्लस 20 कर दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है, दूसरी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए। पहली में तो 20 जोड़ दिया, प्लस दूसरी में 30 जोड़ दिया, और आगे कहा है तीसरी संख्या में 10 घटा दिया जाए। तीसरी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, और चौथी संख्या में क्या कर दिया जाए, चौथी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए। चौथी संख्या में कितना? 40 जोड़ दिया जाए। तो हमें यहाँ से पता लगेगा, यानी उसके एवरेज मतलब संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। देखो 30 और 20 50, 50 और 40 90 की वृद्धि हुई थी और 10 की कमी हो गई, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि कितनी हुई भैया 80 की। क्यों? 30 और 20 50 और 40 90 में से 10 जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं, तो 80 की वृद्धि हो गई 10 प्राकृतिक संख्याओं पे। तो कितना एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया एवरेज, ठीक है, यानी एवरेज में वृद्धि कितनी हो गई भैया, 80 की वृद्धि हुई थी संख्याओं में, और कितनी संख्या थी 10। टोटल संख्या नीचे रखने पर हमें पता लग जाता है कितने की वृद्धि हो गई, 8 औसत की वृद्धि हो गई। पहला एवरेज था, अब क्या निकालना है, न्यू एवरेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले 20 था, 8 की वृद्धि हो गई, तो 28 अब आपका नया एवरेज आ जाएगा। क्या एवरेज होगा आपका 28। दोबारा देखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोबारा देखिएगा, इसने कहा 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज यानी औसत 20 है। पहली संख्या में 20 की वृद्धि, दूसरी में 30 की वृद्धि, तीसरी में 10 की कमी और चौथी में 40 की वृद्धि कर देता है। तो ऐसा करने पर उसकी कुल वृद्धि होती है भैया 80 की, क्योंकि 10 माइनस था, कमी हो गई, तो 90 बैठता है टोटल, इसलिए 10 की कमी हो जाती है तो 80 रह जाता है। तो एवरेज में कितने की वृद्धि, कुल कितनी वृद्धि हुई 80 की, टोटल संख्या कितनी थी 10 प्राकृतिक संख्या, 10 से भाग दिया 8, एवरेज बढ़ गया। पहले एवरेज था भैया 20, आज 8 बढ़ गया है, तो नया एवरेज आ गया आपका 28। यही आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। 5 संख्याओं का योग 240 है। कितनी संख्या भैया, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है,
यानी पांच संख्याओं का तो योग दिया था, अब क्या दिया है, पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है, उसने पूछा है तीसरी संख्या क्या है। ए है ऑप्शन आपका 35, बी है 40, सी है 47 और डी है 38। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी तीसरी संख्या कौन सी होगी। इसे मैं मिटा देता हूं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो के अंत तक रुकें ताकि कुछ अच्छा लाभ हो पाए, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, काफी बार रिपीट हुआ भी ये वाला क्वेश्चन भी। इसने कहा पांच संख्याओं का योग है 240, कितना, पांच संख्याओं का योग, मैं यहां लिख देता हूं, पांच संख्याओं का योग कितना भैया 240। अब कोई सी भी आप पांच संख्या मान लें, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब इसने क्या कहा, पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, यानी इन दोनों का एवरेज कितना था भैया, यहां लिख देता हूं औसत 30 है, और लास्ट की दो संख्याओं का औसत क्या है भैया, लास्ट की दो संख्याओं का 70 है। जब एक बात बताओ, औसत तो दिया है 70, तो संख्या क्या हो जाएंगी, यानी ए और बी का मान कितना हो जाएगा 30 गुणा 30 में मैं दो की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि संख्या कितनी थी, दो संख्या थी। अगर औसत में आप संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका योग आ जाएगा, यानी ए और बी का योग कितना आ जाएगा, 30 में दो की मल्टीप्लाई कर दी, अब ये योग बन गया, 3 × 2 = 60 योग हो गया ए और बी का, प्लस सी और प्लस इसमें भी मैं दो की मल्टीप्लाई करूं तो डी और ई का योग आ जाएगा 70 × 140। अब ये पांचों संख्याओं का योग है और पांचों संख्याओं का योग था हमारे पास 240, इन दोनों को हम काउंट कर लेंगे, सी प्लस कितना हो जाएगा 140 और 60 200 और बराबर 240। अब 240 इधर 200 है उधर 240 है, ये प्लस के हैं उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो सी बराबर 240 माइनस 200, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, केवल 40, यानी आपकी तीसरी संख्या क्या थी भैया, 40, 40 संख्या थी आपकी तीसरी, ठीक है, तीसरी संख्या थी आपकी 40 यानी 40, ठीक है। बी ऑप्शंस आपका इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसानी पूर्वक और बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाने की कोशिश की है, दोबारा देखिएगा, पांच संख्याओं का योग 240 है, ए बी सी डी ई पांच संख्या हमने मान ली, तो उन्होंने पूछा तीसरी संख्या या सी, तीसरी संख्या तो सी है, तो सी का मान क्या होगा, देखो औसत दिया है दो संख्याओं का 30, तो संख्या कितनी हो जाएगी 30 × 60, और लास्ट की दो संख्याओं को औसत दिया 70, तो संख्या कितनी हो जाएगी 140, बीच की संख्या एज इट इज आएगी क्योंकि तीसरी संख्या मालूम करी है, दोनों को जोड़ा 200 और योग है पांचों संख्याओं का 240, तो सी बराबर 240 माइनस 200 और सी बराबर 40, यानी तीसरी संख्या क्या होगी आपकी 40 होगी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखिएगा क्या कहा है, पांच संख्याओं का औसत 65 है, किनका भैया, पांच संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या थी। देखो पिछली बार जो पांच संख्याओं का योग दिया था, लेकिन इस बार पांच संख्याओं का औसत दे दिया है, तो आपको वो भी योग में चेंज करना होगा। और देखिएगा इसके ऑप्शंस हैं 80, ए ऑप्शंस 80, बी ऑप्शंस 79, सी ऑप्शंस 88 और डी ऑप्शंस 87, ठीक है, चार ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस औसत दिया है पांच संख्याओं का, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, भाई एक बार योग का क्वेश्चन आ गया, एक बार औसत से क्वेश्चन आया है। देखो कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, इसने कहा पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्या को क्या भैया, औसत कितना है 65 है भैया 65, ठीक है, पांच संख्याओं का औसत 65 है, तो संख्या क्या हो गई, ए बी सी डी और ई, पांच संख्या मान ली मैंने ए बी सी डी ई। अब इसने कहा पहली दो संख्या, प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, यानी इन दोनों का जो एवरेज है वो 81 है, क्या औसत 81 है, और लास्ट की दो संख्याओं का औसत क्या भैया, लास्ट की दो संख्याओं का औसत था 38, ठीक है 38,
तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखिएगा, कुल संख्याओं का योग बनाने के लिए दो की मल्टीप्लाई में, क्योंकि दो संख्याएं हैं, और दो की मल्टीप्लाई में क्योंकि दो संख्याएं हैं, 81 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16, और 2 एकम 2 162 प्लस सी प्लस 38 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16 का 6 आंसर लगे 76। और उसने कहा पाँच संख्या का औसत, औसत है 65। अब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या जाएगा, योग आ जाएगा इनका। तो देखिएगा सबको काउंट करो, सी प्लस कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, और 6 और 6 12 13 का 3 हासिल 1 और 1 2 238 बराबर 5 पंजे 25 हासिल 2 6 पंजे 30 और 2 32 225 ठीक है, सॉरी 325। अब सी का मानी बीच वाली संख्या क्या होगी, सी, तो 325 में से जैसे ही आप इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में 238। अब 238 में से घटा दो, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 3 गए 8, 3 11, तो ये बचेगा 87। सी बराबर संख्या आ जाएगी आपकी 87, सी बराबर क्या आ जाएगी 87, 87। डी ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या है चौथा क्वेश्चन, भाई रिवाइज करते हैं, जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा लक्ष्य की ओर, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, अगर आज आप कुछ सीख पाते हैं तो एक कमेंट एक राय हमारे लिए भी आप दे सकते हैं। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का गुणनफल कितना होगा? ए ऑप्शन से 3480, बी ऑप्शन से 2485, सी ऑप्शन से 4480, और डी ऑप्शन से 3789। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं आपके, जल्दी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत जो 66 है उनमें पांचवी और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये चौथा क्वेश्चन है आज आपका, ये मैं मिटा देता हूँ। चलते हैं आगे की तरफ, ऐसे ही आप सीखते रहिए, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको और बहुत कुछ आपका क्लियर होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, पहली बात इसने कहा पांच क्रमागत सम संख्या, पहले मैं बेसिक आपको बता दूं, पांच क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। ठीक है, x प्लस कितनी होगी 10, कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 संख्या होगी। अब पांच संख्या हो गई, इसने कहा पांच संख्याओं का औसत 66 है, पांच यहां लिख देता हूं मैं, पांच संख्याओं का औसत 66 है। तो एक बात बताओ, ये क्या है, सभी संख्याओं का योग, तो मैं बीच में सब में प्लस कर देता हूं क्योंकि योग हो जाएगा। क्लियर, 1 2 3 4 5, तो जाएगा 5x प्लस 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 6 26 और 4 30 बराबर कितनी थी औसत, औसत था भैया 66। कितनी संख्याओं का, पांच संख्याओं का, तो ये मैंने योग बना लिया, तो ये हो जाएगा 66 गुणा 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, 66 गुणा मल्टीप्लाई कितनी होती 5 की, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 330 क्या आ गया, पांच संख्याओं का योग आ गया। तो ये 30 है इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 330 माइनस 30, और x बराबर जब 30 जाएगा तो 300 बटे, क्योंकि 5 भाग में गुणा में था तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 5 छंग 30 तो ये जाएगा 60, यानी x बराबर आपका आ गया भैया 60 यानी 60। उसने कहा है दूसरी और पांचवी संख्या, दूसरी संख्या कहाँ है ये रही, और पांचवी संख्या कहाँ है ये रही, इन दोनों का क्या कहा है गुणनफल, गुणनफल किस किस का, दूसरी और पांचवी का, तो x प्लस 4 गुणा x प्लस 10 का मल्टीपल बताना है आपको, यानी गुणनफल। ठीक है, x का मान है आपका 60, और 60 और 4 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 4 गुणा ये हो जाएगा 60 प्लस 10, ठीक है 64 गुणा 70, तो ये जाएगा 0 की 0, 7 चौक 28 हासिल 2, 6 सत्ते 42 43 4480, कितना हो जाएगा ये 4480, बिल्कुल इस करेक्ट आंसर, गुणनफल पूछा था दूसरी और पांचवी संख्या का, तो ये हो जाएगा 4480, कितना हो जाएगा 4480। ये था इसका बेसिक तरीका, अभी हम आपको एक एडवांस तरीका बताने वाले हैं जिसमें कि आपको मिनट और सेकेंड लगेंगे, दो एक मिनट मुश्किल से लगेगी उस इसकी क्वेश्चन को करने के लिए। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ, देखिएगा मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, फिर मैं उसको तरीके को आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसने नहीं उतारा हो उतार ले, वरना तो
इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले यही क्वेश्चन मैं आपको एडवांस तरीके से बताऊंगा कि ये आपको करना कैसे है, फिर आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा, इसने कहा था पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। पांच संख्या का औसत कितना था भैया? 66। तो भैया 66 क्या है? एवरेज है, यानी औसत है। जब सम संख्या है, पांच क्रमागत सम संख्या, पांच क्रमागत सम संख्या, मैं यहां लिख देता हूं, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो एक बात बताओ, जब पांच संख्या थी एक संख्या तो ये निकल गई, बची कितनी? चार। तो दो आगे और दो पीछे, तो जैसे ही अगली जाओगे सम संख्या तो एक 68 हो जाएगी, एक 70 हो जाएगी। जैसे ही पीछे आओगे दो घटाओगे इसमें से तो कितना हो जाएगा? 64 और दो 66, और इसमें से भी दो घटाओगे तो कितनी हो जाएगी? 62। आपके पास पांचों संख्या आ गई, जिसका गुणनफल कह रहा है उसका निकाल दो। दूसरी और पांचवी का गुणनफल कह रहा था, तो 64 × 70 करोगे जैसे है आप, तो 00 7 28 हासिल 2 6 7 42 44 180, यही आपका आंसर है। आपको ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये तरीके पता हैं, मेरी पहली वीडियो जिसने भी देखी है, तो इन्हें बहुत आसानी से क्वेश्चनों को वो कर पाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखो, एक संख्या तो 66 ही हो गई जो एवरेज है, और बाकी बची कितनी? एक निकल गई तो चार बची, यानी चार बची तो दो पीछे और दो आगे, यानी एवरेज जो होता है बीच का होता है, दो पीछे की तरफ संख्या होंगी, दो आगे की तरफ। जब सम की बात है तो एक 68 हो जाएगी, एक 70 हो जाएगी, एक 64 और एक 62, दूसरी और पांचवी। अब जिसका भी कहता है उसका निकाल देते आप 44 180। कौन सा ऑप्शन सही है भैया आपका? 44 180 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और ऐसा ही लेते हैं। देखिएगा, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। यानी पांच संख्याओं का औसत तो भैया 70 है, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करवाया है, तो बिल्कुल आप दोनों तरीके से ही कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको सेकंड तरीका ही अपनाना है। इसने कहा पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है, अब कितना है भैया? 70 है, तो पांच संख्या क्या होंगी? बेसिक से कर रहा हूं मैं, तो एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 10, ये हो गई पांच संख्या। सभी को काउंट करा, योग बना लिया इनका, तो 5x हो जाएगा, प्लस 10 8 18 18 और 6 18 19 21 22 23 24 24 6 28 और 2 30 बराबर। अब पांच संख्या आ गई, ये इनका योग आ गया, और यह है सम संख्याओं का औसत। 70 औसत था और पांच की मल्टीप्लाई कर दी तो योग बन गया ये भी, तो यह जाएगा 5x बराबर 7 5 35, यानी 350 माइनस 30, क्योंकि प्लस में दर्जा के माइनस का हो जाएगा, x बराबर 320/5, तो 5 6 30 और 2 5 4 20, तो x बराबर आपकी 64 आ गई, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 64 आ गया। उसने कहा है दूसरी और तीसरी संख्या, यानी दूसरी है x प्लस 4 और तीसरी है x प्लस 6, तो x का मान 64 64 4 64 65 66 68 गुणा अगली संख्या 64 और 6 कितना हो गया? 70, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीपल पूछा है, गुणनफल कितना? गुणनफल मालूम किया है दूसरी और तीसरी संख्या का, तो 0 × 0 7 8 56 हासिल 5 और 6 7 42 43 44 45 47 4000 कितना? 4760 कितना है भैया? 4760 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अपना वाला तरीका भी अपनाते हैं, सेकंड तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी पांच संख्याओं का औसत था 70, जब 70 औसत है सम संख्याएं, एक संख्या ये हो गई अपने आप में एवरेज, और बची चार, बची चार तो ये 72 और 74, और इससे पीछे जब आप आओगे तो 68 और 66, 66 68 70 72 74, दूसरी और तीसरी 68 × 70 क्या आएगा भैया? 4760 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये तरीका तो बेसिक है, क्योंकि बताना भी ज़रूरी है, अपनाना वही है जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, ठीक है। चलते हैं
छठे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है। ए ऑप्शन से 18 वर्ष, बी ऑप्शन से 20 वर्ष, सी ऑप्शन से 25 वर्ष और डी ऑप्शन से 22 वर्ष। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही बने रहिएगा, हर एक वीडियो धीरे धीरे आ रही है, कुछ वीडियो आ चुकी हैं और ऐसे ही अपने नोट्स तैयार कीजिएगा इनसे और आगे आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और हमारा उद्देश्य है बेसिक टू एडवांस की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कहा था भैया, इसने कहा था ए बी सी की औसत आयु, ए बी सी की औसत आयु दी थी, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 70 दी थी। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका योग हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो गया 721, 210, ठीक है 210 योग हो गया। यदि ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए तथा बी की, ए प्लस बी की कितनी है औसत आयु, ए प्लस बी की औसत आयु कितनी है भैया, ए और बी की औसत आयु है 19 वर्ष, 19 वर्ष है तो 19 में मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 दूनी 38 हो जाएगी ए प्लस बी की आयु, ए प्लस बी की आयु 38 वर्ष, ठीक है 210 वर्ष और ये हो जाएगी 38 वर्ष, ठीक है। ए बी सी की आयु हैगी और ए बी की आयु हैगी, उसने पूछा केवल सी की आयु। अगर मैं ए बी सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटा दूँ, माइनस ए बी घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी घटा दूं तो क्या आ जाएगा भैया, केवल सी आ जाएगा। ए प्लस बी अगर मैं घटा दूं, 210 माइनस 38, ठीक है 19 दूनी 38 और 70 दिया 721 210, ठीक है 20 थी, ए बी सी की औसत आयु 20 थी, ये 20 थी भाई, ये गलती हो गई है, 20 दिया 60 हो जाएगी, ठीक है कितनी हो जाएगी 20 दिया 60 वर्ष, ठीक है और 19 दूनी 38, तो 60 में से आप जब 38 घटाओगे तो आपके पास ए बी सी में से बी ए बी घटा लोगे तो क्या आएगा, सी की आयु, सी की आयु बराबर 60 में से 38 गए थे, 38 और 2 40, 40 और 20 60, 22 वर्ष, ठीक है कितनी आ जाएगी 22 वर्ष, ठीक है 22 वर्ष आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आयु आ जाएगी, कितनी 22 वर्ष, ठीक है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे। ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है, ए 40 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 70 वर्ष और डी 50 वर्ष, ठीक है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सातवां हमारा क्वेश्चन है ये। और देखो मैं बस इतना ही मिटाता हूँ और आंसर आपके सामने होगा, देखिएगा उसने कहा ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष है, ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष है औसत, और मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 3 12 120 वर्ष आ गई उनकी आयु, ठीक है सातवां क्वेश्चन था। ए बी सी की आयु आ गई 120 वर्ष, ए बी की थी 35 वर्ष, ए बी की थी 35 वर्ष, 35, अब 35 में जैसे ही मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि 2 व्यक्तियाँ 35 दूनी 70 हो जाएगी भैया 70 वर्ष। अब ए बी सी में से आप जैसे ही ए बी घटाओगे तो किसकी आ जाएगी, सी की आ जाएगी, तो 120 माइनस 70 वर्ष तो ये कितनी आ जाएगी भैया, 120 में 70 गए तो 50, 7 5 12 50 वर्ष, ठीक है यही आपका सही आंसर होगा 50 वर्ष, एक्यूरेट आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ, आठवां क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहा है। तीन संख्याओं का औसत 154 है, 154 है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है तो पहली संख्या क्या थी। ए ऑप्शन 264, बी ऑप्शन 132, सी ऑप्शन 88 और डी ऑप्शन 66, ठीक है यह आज का लास्ट क्वेश्चन है और आठवां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने रिवाइज किया है, जल्दी से कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है देखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी आठवां क्वेश्चन क्या कहा है भैया, तीन संख्याओं का औसत 154 है, तीन संख्याओं का औसत यानी एवरेज 154 है,
154 है। तो इसने कहा तीन संख्याएं, तो उसने कहा पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और दूसरी तीसरी से दोगुनी, यानी देखो पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, यानी तीन संख्याएं, कोई भी संख्या मान लो ए बी और सी, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और तीसरी से, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, ये बात कही है। यानी हमें नहीं पता सी क्या है, तो हमने मान ली, माना ये कुछ भी मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड, ए मान ली है तीसरी संख्या, इन्हें हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तीसरी संख्या पहली दूसरी और तीसरी, तीसरी संख्या हमने ए मान ली, तो जब ए मानी है तो दूसरी संख्या दोगुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 2a, और पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तो ये हो जाएगी 4a, ठीक है। सबका योग कर लेता हूँ, 4, 2, 6 और 1, 7a, यानी 7a बराबर योग, योग है इसका और ये है औसत, तो 154 × 3, ये भी क्या हो गया औसत गुणा संख्या, तो क्या हो गया योग। तो 154 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 3 = 12 = 2 हासिल 1, 5 × 3 = 15, 16 × 6 हासिल 1, 3 × 3 = 4, 462। तो a बराबर 462 बटे 7 का भाग, 7 × 6 = 42, 43 × 44 = 45 – 46, 4 बचेगा और 7 × 6 = 42, a बराबर कितनी आगे भैया 66, a बराबर आपके आगे 66। उसने पूछा क्या है, बस ये देखना है पहले, और हाँ ये गलती मत कर देना, अगर ये बराबर 66 आ गई तो वही आपका आंसर है। ये है तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या मानी हमने ए, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या ए मानी है, ए का मान 66 है। उसने पूछा है पहली संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या क्या थी 4a, 4a बराबर क्या हो जाएगा 4 × a का मान है 66, तो इसे रख देंगे, 4 × 6 = 24 हासिल 2, 4 × 24 = 2 = 28, 284 इस करेक्ट आंसर, जो कि आपका ए ऑप्शन सही है। आज के ये थे 8 क्वेश्चन एवरेज के, तीसरी वीडियो थी हमारी, ये बहुत ही आसान तरीके से, उम्मीद और आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही बने रहिएगा प्रॉपर, हर एक क्लास ऐसे ही प्रॉपर आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।